हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। और एक नया वीडियो लेके मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा फाइट होने वाला है, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले हैं, वो भी पेलोड मोड में। जी हाँ गाइस, आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का गेम प्ले कैसा होता है। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे आप लोग एक स्क्वाड वाइप कर सकते हो, थोड़ा कवर लेके सोलो वर्सेस स्क्वाड कैसे खेल सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत रैंक ज़्यादा पुश होता है। जैसे कि हम लोग आज आ चुके हैं पहले ही आपका प्रिजन में, यहाँ पर से थोड़ा बहुत कवर का चीज़ लेके, जैसे कि थोड़ा बहुत सेल्फ प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब खुद का प्रोटेक्शन दे पाए, इस ऐसे ही कुछ लेके सीधा चलते हैं मिलिट्री बेस की ओर। और हाँ गाइस, पहले आपको ये नज़र में रखना पड़ेगा कि पहले जो बंदे आपके साथ उतर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं उतरे तो अच्छी बात है, अगर उतरता है तो आपको उसका प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हम लोग जब मिल्टा के ऊपर से जा रहे थे तो मुझे नीचे एक बंदा दिख गया। ये मेरे ख्याल से बॉट ही था जैसे आ रहा था। तो चलो पहले इसको ख़त्म करते, उसके बाद फिर जाते हैं मिलिट्री बेस की ओर। और हाँ गाइस, पहले बोल रहा हूँ कि पहले जब आप पेलोड मोड खेलोगे, स्क्वाड में हो या फिर सोलो, तो कोशिश कीजिएगा एक असॉल्ट राइफल, ऑटो गन या फिर और एक ग्रेनेड लॉन्चर, MGL कुछ भी साथ रखिए। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस में, तो लूट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर और एक ट्विस्ट होने वाला है, आगे देखिए मैं बता रहा हूँ। ये ऑफिस लूट करते करते हम लोग जाने वाले हैं सी बिल्डिंग की ओर। तो गाइस, हम लोग सी बिल्डिंग में आ चुके हैं। यहाँ पर लूट करते करते हमको मिल जाता है थोड़ा आगे जाके एक फ्लेयर गन, जो कि बहुत बढ़िया है। तो चलिए दूसरी तरफ भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो दूसरी तरफ आने के बाद भी हमको मिल जाता है और एक फ्लेयर गन, एक से भले दो। यार जब हम लोग स्क्वाड में खेलते हैं, हम लोग को उसको फ्लेयर गन मिलने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ पर देखिए और एक फ्लेयर गन मिल गया हम लोग को, तो मेरे को मिला टोटल 3 फ्लेयर गन्स। तो ठीक है, चलिए हमको फ्लेयर भी चलाना है, जोन काफ़ी दूर भी है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं फ्लेयर लेके जोन की तरफ। थोड़ी सी किले बच गया यार, नहीं तो यहाँ पर टकरा जाता मैं। तो चलो हम लोग जोन में मिलते हैं। तो चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते जोन में। यहाँ आके हम चला देते हैं 3 प्लेयर एक साथ, और कोशिश करेंगे कि एक ही लाइन में चलाने की, ताकि ज़्यादा बंदे इसे दिखे ना। और मैं अकेला हूँ इसीलिए मेरे पे रश करने ना आए। तो कुछ देर वेट करने के बाद गाइस, देख रहे हो आप लोग मेरा फ्लेयर ड्रॉप, मतलब सुपर सप्लाई ड्रॉप आ चुका है। तो थोड़ा कवर में रहते हैं, ड्रॉप आते अगर बंदा आ जाए तो भी सेफ रहना चाहिए। तो चलिए फ्लेयर ड्रॉप आ चुका है, जल्दी जल्दी हम लोग लूट लेते हैं। एक हो गया, दो भी हो गया, ब्रोजा नहीं चाहिए, मेरे पास M4 है। चलो ये 3 भी हो गया। चलो एक एडवांटेज मिल गया कि मेरे पास गिली है। अभी चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो बॉक्स ओपन होता है, सप्लाई बॉक्स या फिर कुछ भी बोलते हैं, वो ओपन होता है। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं हेलीकॉप्टर उड़ाते उड़ाते गटका में। देखा कि यहाँ पर अभी भी लूट नहीं हुआ है, तो फिर भी थोड़ा बहुत दूर में मेरा हेलीकॉप्टर लैंड करके, मतलब हेलीकॉप्टर से कूद के थोड़ा सेफली जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो छुप छुप के मैं इसको लूट लेता हूँ। वो देखिए गाइस, पीछे से सुनाई दे रहा है कि कोई फायर कर रहा है। तो देखिए आगे एक गाड़ी भी आ गई। अगर मैं यहाँ पर फायर कर देता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। मतलब आपको जब शॉट करना होगा ऐसे हालात में, तो आपको कंफर्म शॉट मारना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप एक शॉट मिस करो और वो दो बंदे हैं,
मतलब यहाँ पर दो बंदे थे, आपको मार भी सकते थे। तो चलिए गाइज, ये वाला जगह हमने देख लिया है, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर आगे। और कोशिश कीजिएगा गाइज कि जिस व्हीकल से आप कहीं भी जाए, ख़ास तौर से हेलीकॉप्टर हो सके तो कुछ साइड में पार्क कीजिए, तो लोग सोचेंगे कि ये शायद स्पॉन है या फिर बंदे किसी और जगह पर हैं, लेकिन गाइज आप लोग होंगे किसी और जगह पर। तो गाइज आगे हम लोग आ चुके हैं और एक क्रेट के पास, यहाँ पर भी और एक क्रेट ओपन होने वाला है, पर अभी भी टाइम नहीं हुआ है, लगभग एक मिनट अभी भी बाकी है। यहाँ पर आते ही हमको साउंड आ गया था कि और एक व्हीकल भी आ रहा है, मतलब और एक हेलीकॉप्टर भी आया है। देखिए वो देखिए, सुनाई दे रहा है और एक हेलीकॉप्टर का आवाज़, तो हमें बहुत सावधान से खेलना पड़ेगा। और एक चीज़ गाइज, आपको पहले से ही सोच के खेलना पड़ेगा कि जो बंदे हमारी तरफ आएंगे या फिर हम पे अटैक करने वाले हैं वो चार बंदे होंगे, हालांकि वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पर आपको यही सोच के चलना पड़ेगा कि हमको प्रॉपर प्रोटेक्ट होके खेलना है, पूरा कवर में रह के खेलना है, मतलब ओपनली रश नहीं करना है। एक के ऊपर रश करोगे तो और एक आपको मार सकता है, पर यहाँ पर हो जाता है कुछ ट्विस्ट। मैं राइट से फ्लैंक मार के आया और वो वाला एनिमी उसके राइट से फ्लैंक मार के मेरे जगह पर चला गया, मैं ऊपर आया और वो नीचे गया। हो सकता है यहाँ पर अगर मैं ऊपर उठ के या फिर भाग के दौड़ के आगे तक जाऊँ और कोई मुझे मार दे, इसीलिए मैं बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हो जाता है दिक्कत। मुझे तो उसका हेलीकॉप्टर दिख गया जिसमें से वो आया था, लेकिन पीछे हो जाता है मेरे साथ स्कैम। वो वाला बंदा मेरा हेलीकॉप्टर लेके निकलने वाला था, ये देखिए गाइस, मैंने उसको शॉट किया पर उसका गुड लक इतना अच्छा था कि वो नॉक भी नहीं हुआ, और एक शॉट मारते मारते वो हेलीकॉप्टर से कूद गया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो, हमको आगे जाना है क्योंकि जोन बन चुका था, नेक्स्ट जोन में हमको भी जाना है। तो चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ के आ जाते हैं जॉर्ज पुल के पहाड़ी पर। बहुत सारे लोग इस जगह को जॉर्ज पुल बोलते हैं, बहुत सारे लोग इस जगह को गोरे गोपाल बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि आप लोग इसे क्या बोलते हो। और गाइस जो जो बंदे यहाँ पर नए हों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दूर से मेरे को एक वो क्या बोलते हैं वो वाला गाड़ी BRDM दिख जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने की, पर कुछ देर बाद वो गायब भी हो जाता है और रेंज के बाहर भी चला जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करके मैं चलता हूँ फिर से जोन की तरफ, क्योंकि और एक जोन बन चुका था। नेक्स्ट जोन बना था रूइंस में, तो रूइंस में मैं आ गया था, आके यहाँ पर तो लड़ाई हो ही रही थी, मैंने ऐसे जैसे तैसे लैंड किया, लैंड करने के बाद थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगा, वो भी कवर लेके, क्योंकि ऐसे हालात में आपको थर्ड पार्टी करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, दो स्क्वाड आपस में फाइट करने में बिजी रहता है और आप साइड से आके किल भी ले लेते हो और आप कवर में भी रहते हो। मेरे पास एक
व्हीकल रिपेयरिंग कार्ड था, उससे मैंने इस गाड़ी को रिपेयर किया, क्योंकि हालांकि हेलीकॉप्टर से जाना थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता था, इसीलिए ये वाला गाड़ी लेके थोड़ा आगे तक गया, सर्कल के सेंटर तक। उसके बाद गाड़ी पूरा का पूरा छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे हालात में आपको यही गाड़ी मरवा सकता है। यह आने के बाद आगे दिखा कि दो स्क्वाड लड़ाई कर रहे थे। तो गाइस, मैं यहाँ से फायर नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा पोजीशन नहीं था, इसलिए मैंने एयर स्ट्राइक कर दिया। यह स्ट्राइक ऐसे जगह पर हुआ, देखिए दो बंदे पूरा का पूरा ख़त्म होने वाला है, और वो लोग हट भी नहीं सकते, पीछे जोन है और आगे एनिमी। देखिए गाइस, मेरे को दो किल आराम से मिल गए। इसके बाद आगे वाले स्क्वाड को भी खत्म करना था। मैं एयर स्ट्राइक तो कर देता, पर मेरे पास एयर स्ट्राइक एक ही था, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को डराने की। लेकिन एक चीज़ गाइस, हमेशा अपना पोजीशन चेंज करते रहना, नहीं तो ये देखिए ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने फायर किया और वो लोग भी मेरे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया था, ये देखिए सामने की तरफ। ऐसे एक बंदा नॉक हुआ, वो लोग भी मेरे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया, क्योंकि ये बॉम्ब बहुत खतरनाक होता है, रेड जोन की तरह रैंडमली बॉम्ब गिरता रहता है और कोई भी मर सकता है। और यहाँ पर मेरा एक फ़ायदा हो जाता है गाइस, क्योंकि मैंने एक बंदा नॉक किया था, इसी बॉम्ब में आके वो भी मर गया, तो मेरे को आराम से किल मिल जाता है और बचता है दो बंदे। और इन दोनों बंदों को गुमराह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हालांकि सेंटर में हूँ लेकिन वो लोग दो हैं। मैंने इस तरफ बॉम्ब किया ताकि उसको मेरे एनिमी को पता चले कि मैं इस तरफ नहीं हूँ, लेकिन बॉम्ब करने के बाद मैं इसी तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सावधानी से। गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं जब भी बॉम्ब करने की जगह पर आ गया हूँ धीरे धीरे करके, और आगे मुझे दिख रहा है कि दो बंदे यहाँ से टीपीपी ले रहे हैं किसी और तरफ, उन लोगों को मेरा पोजीशन कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए अभी भी मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। एकदम परफेक्ट पोजीशन में जाके एक बंदा नॉक, उसके बाद रह जाता है और एक ही बंदा। हालांकि मुझे इसे ख़त्म करना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने कोशिश किया क्योंकि ये मेरा पोजीशन बोल सकता है कि कहाँ पर है। ये देखिए, पूरा गलती होता तो मर सकता था, तो हालांकि इस हिसाब से उसको मार दिया गया। और एक चिकन डिनर सोलो वर्सेस स्क्वाड कन्फर्म। सो गाइस, कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी वेरी मच।